आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रफीक और आप देख रहे हैं फास्ट डे की न्यूज। फास्ट डे की न्यूज की टीम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बनी ब्लॉक डुगन और पंचायत धगर में मौजूद है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक्स सरपंच यहाँ के श्री पूरन चंद जी, जिनके हाथ में एक लिस्ट है जो यहाँ के मसाइल है उनकी, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट डे की न्यूज में। शुक्रिया आप लोगों का जो हमारे बीच में आप लोग आए और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए और ये समस्या जो है सब आवाम तक पहुंचाने के लिए और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। हाँ तो सर, क्या मसाइल हैं आपके, जरा वजाहत से बताएं। सबसे पहले हमारा इतना सुंदर इलाका है यहाँ का और टूरिज्म के हिसाब से ये गुलमर्ग से कम नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे रोड ना होने की वजह से, रोड नहीं है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है, जीरो है सब कुछ। और कोई भी जब आता है बाहर से यहाँ, लोग कोई भी देख टूर विजिट करने के लिए यहाँ आता है तो वो खुश होकर जाता है कि बहुत अच्छा इलाका है, लेकिन प्रशासन की ओर से हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले किसी इलाके को डेवलप करने के लिए रोड चाहिए। अब रोड बुराई नाम रोड है, अभी रोड के लिए यहाँ से कुछ भी ऐसा वो नहीं है। डगर तक रोड है, टच है डगर, बाकी डगर से आगे चल के देखो कमलो गला है, उससे आगे चल के उधमपुर का नैड इलाका पड़ता है, नैड तक रोड पहुँच गया है, लेकिन यहाँ डगर हमारे प्रॉपर काली टच किया हुआ है डगर। तो ये आगे यहाँ से बाया कमलो गला होते हुए संतगढ़ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से जुड़ने के लिए हमें हम ये डिमांड कर रहे हैं कि रोड होना चाहिए। इधर मल्हार और बधनोता ये भी रोड से जुड़ना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ हमारे दमान तक रोड है, दमान से लेके बिलावर के लिए रोड जुड़ना चाहिए बाया देरी गला, ताकि हमें आने जाने की सुविधा हो जाए और अच्छा हो, हमारा भी कुछ उधार हो सके। तो सर, और क्या आप मसाइल बताएंगे? सर, रोड तो बताया मैंने, पहला है रोड का जी। दूसरा है यहाँ पे बहुत पुराना हाई स्कूल है जी, पता नहीं कब से बना हुआ हाई स्कूल है, ये अपग्रेड नहीं हुआ आज तक, हायर सेकेंडरी नहीं बन सकी। मैं हर बार जब भी किसी टीवी चैनल के सामने बोलता हूँ तो यहाँ कम से कम ये डिमांड करता हूँ कि हायर सेकेंडरी या कॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनाई नहीं है हमारी। दूसरे नंबर पे कुछ बिजली डिपार्टमेंट सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, आए दिनों यहाँ पे कैजुअलिटी होती रहती है, हर साल एक या दो कैजुअलिटी तो होती है। यहाँ बिजली का इतना बुरा हाल है कि सबज पेड़ों पर तारें वो भी बिना इंसुलेटर के सीधी बांध के रखी हुई है डिपार्टमेंट ने, गैर कानूनी यहाँ पर बिजली वालों ने सिक्योरिटी काटी है लोगों से, बिजली का सिस्टम ठीक नहीं है लेकिन सिक्योरिटियाँ काट रखी है और गैर कानूनी है, जो कि एक एक घर में दो दो तीन तीन सिक्योरिटियाँ काट रखी है। कनेक्शन घर के लिए होता है, फ्लैट के लिए होता है, ना कि एक व्यक्ति के लिए होता है, उन्होंने हर एक इंसान से, जैसे जितने तीन लोग घर में है उसकी तीनों की सिक्योरिटियाँ हैं, ये सिस्टम है। जितने घर के मेंबर हैं सबकी सिक्योरिटी कटवाई हुई है, ये कहना है एक्स सरपंच साहब का। तो सर, और क्या आप हमारे माध्यम से मसाइल बताएंगे? यहाँ पर कुछ ऐसी समस्या है, ये बीडीसी मेंबर थे, कुछ कमेटी बनी हुई थी मिलिटेंसी के दौरान, वो उन लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन आज उनको इशारा दिया गया है, जो एसपीओ है वो ड्यूटी कर रहे हैं, बीडीसी मेंबर है वो बेचारे खाली घूम रहे हैं। बाकी और बिजली में भी कुछ डेली बेजर लोग हैं, बीडीसी के हैं, बिजली के हैं और बाकी महकमा के कुछ लोग हैं, उनको कम से कम उनका राइट मिलना तो चाहिए। पीएचई है यहाँ पे, पीएचई का एक प्रोजेक्ट बनवाया था हमने पिछले अपने टेनोर में, मैंने करवाया था, तो वो उस समय 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, तो अभी उसमें पाइप वगैरह दबाई गई है लेकिन बुराई नाम है, पाइप खाली वो उसके ऊपर मिट्टी डाल के वो बिछाई गई है, सही तरीके से पाइप जो उसमें दबानी चाहिए वो नहीं हुआ है, ऐसा सिस्टम नहीं है। दूसरा, यहाँ का जो पीछे एक हाउस बना हुआ है, तो हाउस बना वो ठीक नहीं है, उसमें पानी लीक हो रहा है, नया है अभी तक, पानी लीक हो रहा है। जेई वगैरह वो AEW आए थे तो उन्होंने प्लास्टर वगैरह करके उसको थोड़ा वो ठीक किया, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि 2 साल के बाद वो लीक हो जाएगा और पूरा खराब हो जाएगा, ये सिस्टम ठीक नहीं है। तो और क्या क्या सर, और क्या क्या परेशानी, आपकी लिस्ट तो काफी लंबी है, जरा सबको थोड़ा शॉर्ट में बताएं। देखो यहाँ के लोग
बहुत सारे लोग गरीब लोग भी हैं, उनके लिए भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीमें आनी चाहिए जिनसे वो अपना रोजी रोटी चला सकें। जैसे फिशरी है, फिशरी का कम से कम यहाँ पे लोगों को पॉन्ड देने चाहिए ताकि वो मछली वगैरह या कुछ भी उत्पादन करें और अपना परिवार को ठीक ढंग से चला सकें। कैमरामैन अरशद मलिक के साथ मोहम्मद रफीक की ये रिपोर्ट।